मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि हम अपनी इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता से कोविड-19 महामारी को हराएंगे। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। उन्होंने जयपुर, जोधपुर, टोंक सहित जिन जिलों में हालात कोरोना को लेकर बेकाबू हैं और जिनमें कोरोना को लेकर हालात सामान्य हैं, वहां पर अलग अलग व्यवस्था की बात कही। मुख्यमंत्री की लॉकडाउन 2 पर प्रदेश के हालातों पर चर्चा के दौरान राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि शाम तक एक के बाद एक बैठकें कर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय मीडिया से बातचीत के दौरान करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कुछ जिलों में कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है, खासतौर पर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, मैकेनिक और अन्य लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप कम है वहां पर छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा मरीज हैं वहां सख्ती बढ़ाई जाएगी। और इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों से चर्चा की है। बता दूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन दिया और 3 मई तक लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों को सशर्त अनुमति दी जाएगी, जिससे साफ जाहिर है कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में कोरोना के केसेस कम है वहां पर कुछ रियायतें दी जाने की संभावना है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि जहां पर कोरोना का प्रकोप कम है उन जिलों में रियायत दी जा सकती है। उन्होंने लगातार उद्योग इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनका संकेत साफ है कि कुछ इंडस्ट्रीज को छूट दी जा सकती है, जिनमें निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों में, क्योंकि वहां श्रमिक बड़ी ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं, तो उनको अनुमति दी जा सकती है कि वो काम कर सकें। कहीं कहीं दिहाड़ी मजदूर है, कहीं जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उन लोगों ने संपर्क किया था, ईंट भट्टा मजदूर है तो ईंट भट्टों को उन्होंने अनुमति दी है। राजस्थान की जितने मिले हैं, खाद्य मिले हैं, जिनमें दाल मिले हैं, तेल मिले हैं, वहां पहले दिन से ही उन्होंने काम करने की अनुमति दी, जिससे कि लोगों को खाद्य पदार्थ मिलते रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर अनुमति दी जा सकती है। मंडियों में जैसे कि अपने जितनी अनाज मंडियां हैं वहां पे छूट दी जा चुकी है, किसान अपनी उपज वहां पहुंचा रहे हैं, बेच रहे हैं, किसानों की जो उपज लेने के लिए जो गाड़ियां हैं उनको आने जाने की छूट दे दी है, पिकअप वगैरह को छूट दी है। तो आज शाम तक कई सेक्टरों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री, सभी जिलों के कलेक्टर से बात कर रहे हैं, जो अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह से जिस जिले में जितनी जरूरत होगी, क्योंकि जहां पर ज्यादा मरीज है जैसे जयपुर में सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति मानी जा रही है, तो इसलिए यहां पर रियायत मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जयपुर का आउटर इलाका जहां पर एक भी ऐसा मामला नहीं है वहां कुछ रियायत दी जा सकती है। आपने देखा होगा आशीष, जयपुर में खासतौर पर राजस्थान में डेयरी खुली है, सब्जी मंडी की दुकान, सब्जी मंडी खुली है, सब्जी आप आसानी से मिल रही है, किराना स्टोर्स खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनके खुलने से किसी को ज्यादा परेशानी नहीं है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तो कुछ शर्तों के साथ में कुछ अनुमति, कुछ रियायतें जरूर दी जा सकती है, और इसका ऐलान उम्मीद की जा रही है मुख्यमंत्री 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन से करना शुरू किया है उसमें वो कर सकते हैं कि आखिरकार राजस्थान में 3 मई तक जो लॉकडाउन चलेगा उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें क्या शर्त, किस शर्त पर क्या अनुमति किस सेक्टर के लोगों को दी जा रही है, कौन से सेक्टर में वापस काम शुरू हो सकेगा, कौन सी किस तरह से लोगों का जीवन पटरी पर लाया जाए, क्योंकि अब ये लॉकडाउन खुल नहीं सकता, पूरे देश में रहेगा, लेकिन कुछ रियायतें जरूर मिलने की उम्मीद की जा सकती है। आशीष जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं और आज शाम तक किसी प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है। देश में कोरोना वायरस